Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉग इन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से. एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन, आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है Crack10. अगर आप ये कोड Crack10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की, एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े, और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिविजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 questions की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिविजन के लिए हमारा PDF पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहाँ से रिवाइज करूँ, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और PDF, कंपाइल्ड PDF ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की PDF मिलेगी, जो बहुत अच्छी PDF होती है. बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के PDF. ये टॉपिक की PDF कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप्स से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव PDFs भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है Vikas10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप Vikas10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको Crack10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. एक इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन जाते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 22 और 23 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लॉन्ग टर्म में प्रिपरेशन में जब आप रिवाइज करेंगे बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड आशीष सर ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम वो अभी बिजी हैं, वो थोड़े टाइम बाद आपका सेशंस कंटिन्यू करेंगे. तो आइए स्टार्ट करें. सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की. अभी रिसेंटली नेशनल मिशन क्लीन गंगा के जो चेयरपर्सन बने वो कौन थे, वो थे जी अशोक कुमार. पहली चीज़ तो ये याद रखना. अभी जी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 660 करोड़ रुपए अप्रूव कर रहे हैं फॉर द क्लीनिंग प्रोसेस एंड 11 प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे. आई रिपीट, 11 प्रोजेक्ट्स विद एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 660 करोड़ रुपीज़ विल बी डेवलप्ड, दैट इज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग द
रिवर गंगा। रिवर गंगा के साथ में उनको साफ करने के लिए पानी को 11 प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। ये निर्णय 42nd मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के दौरान लिया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जी अशोक कुमार। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखना जैसे रिवर हिंदुन जो कि यूपी में, इसको भी साफ किया जाएगा। फिर एक और रिवर याद रखिएगा, वो है माई पॉन्ड, चामुंडा माई पॉन्ड। ये घर मुक्तेश्वर यूपी में है, इसको भी आपके इस पॉन्ड को रेजुवेट किया जाएगा। फिर इसी के साथ साथ शिवना रिवर जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है, इसको भी लगे हाथ अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। 660 करोड़ रुपए इसके अप्रूव किए गए 42nd मीटिंग में, और चेयरपर्सन कौन है इसके, जी अशोक कुमार। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीनको। ग्रीनको अभी सेटअप कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट को। आई रिपीट, कौन सेटअप कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, वो है ग्रीनको। फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि कहां पर इसको सेटअप किया जा रहा है, इसको सेटअप किया जा रहा है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, और ये कुरनूल डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में। और जो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा, इसकी कैपेसिटी होगी 5230 मेगावाट ऑफ एनर्जी को स्टोर करने की, और ये कहाँ पर होगा, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में होगा, और कुरनूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, आपकी आंध्र प्रदेश में। इट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिंगल लोकेशन एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट विद विंड एंड सोलर कैपेसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एंटी टेररिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। 21 मई को, याद रखना हम एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 21 मई 1991 को हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी जी, इनका निधन हो गया था। ठीक है, इन पे टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से 21 मई को अब हम एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया। रीज़न जैसे मैंने बताया क्या था कि 21 मई 1991 को हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो असेसिनेट कर दिए गए थे, मार दिए गए थे, उन पे अटैक हुआ था, इसी वजह से हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं एंटी टेररिज्म डे। कब, 21 मई को, और इसी को याद रखना, इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है, कितना टाइम पूरा हो गया, पूरा 30th एनिवर्सरी थी इस बार इनकी डेथ की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, माल न्यूट्रिशन बच्चे मतलब जिनको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है अपने डाइट में, वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको अक्यूट माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अक्यूट माल न्यूट्रिशन क्या होता है, एक सीवियर माल न्यूट्रिशन, मतलब बहुत ज़्यादा जो बच्चों के शरीर में कमजोरी देखने को मिलेगी, फिर उससे क्या होगा, इनकी जो बॉडी है उसका स्टेमिना नहीं रहेगा, कमजोरी आ जाएगी बॉडी में, कमजोरी आ जाएगी तो जो बीमारियां होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा जल्दी से अट्रैक्ट करेंगी, बच्चे को डिजीज़ होंगी फिर, जैसे डायरिया, अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे, साफ़ पानी नहीं पिएंगे तो डायरिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इससे क्या होता है, जो पहले ही न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं होते थे, इस वजह से, इन बीमारी की वजह से और न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई यूनिसेफ के द्वारा, जो कि टाइटल था सीवियर वेस्टिंग एंड ओवरलुक्ड चाइल्ड सर्वाइवल इमरजेंसी। लेकिन ये सीवियर वेस्टिंग है क्या, वेस्टिंग का मतलब क्या होगा, वेस्टिंग इसे ऐसे समझिए, इट इज़ द वेस्टिंग जो इज़ द मोस्ट वाइटल एंड फैटल फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का भी जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है वो वेस्टिंग होता है, ये एक बहुत फेटल होता है, बच्चों का वेट कम हो जाता है, इसमें एक्यूट सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, जो वेट फॉर हाइट रेशियो होता है ना, इसमें बच्चों को बहुत कम हो जाता है, कमजोर दिखने लग जाते हैं बच्चे। और यूनिसेफ ने बताया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखा जाए तो इंडिया में अराउंड बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 57 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि माल न्यूट्रिश हैं, और बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर जो न्यूट्रिशन चाहिए रिक्वायर्ड रहता है डेली बेसिस, वो भी नहीं मिल पाता। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे निर्मला सीतारमन जी की। अगर आपको पता हो, निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, एज वेल एज आपको याद रखना है ये इंडिया की गवर्नर है टू न्यू डेवलपमेंट बैंक। आई रिपीट, फाइनेंस मिनिस्टर तो है ही है निर्मला सीतारमन जी, इसी के साथ साथ ये इंडियन गवर्नमेंट की, इंडिया की गवर्नर है टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके द्वारा ब्रिक्स के द्वारा सेटअप किया गया था। ठीक है, तो अभी जो न्यूज में है ये निर्मला सीतारमन जी, वो इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने चेयर की 7th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्चुअली हुई थी, न्यू दिल्ली से ही इन्होंने इस मीटिंग को चेयर करा। ये 7th एनुअल मीटिंग थी, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, जैसे मैंने बताया सेटअप किया था ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा, हेडक्वार्टर का इसका शंघाई चाइना में। ब्रिक्स कौन कौन सी हो गई? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2014 में इसको सेटअप किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को, और ये ऑपरेशनल हो गया था 2015 में। इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखना, अभी कुछ कंट्रीज को ऐड किया गया था ब्रिक्स में, तो क्या बता सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज थी जिनको ऐड किया गया है टू द ब्रिक्स? देखो दो कंट्रीज आपको याद रखना है, एक तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दूसरी है बांग्लादेश, इसको ब्रिक्स में ऐड किया गया टू द मेंबर्स। और अभी दो कंट्रीज हैं जो इजिप्ट है एंड योर उरुग्वे, इनको एज अ इजिप्ट एंड उरुग्वे को एज अ प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स ऐड किया गया। तो टोटल तो चार रहेंगी, यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे एंड इजिप्ट, लेकिन इन दोनों को मेंबर बनाया गया और इनको प्रोस्पेक्टिव मेंबर बनाया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वॉज द टॉप मोस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 21-22। देखो इंडिया में इन्वेस्टर मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी है क्या आप बता सकते हैं मेरे को फॉर द फिस्कल ईयर 21-22 कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई होगी? अ टोटल ऑफ $83.57 बिलियन की हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने मिली। आउट ऑफ दिस जो 27% थी वो थी आपकी सिंगापुर से। कहाँ से थी? सिंगापुर से थी। ठीक है, तो सिंगापुर वो कंट्री बना जिसमें टॉप मोस्ट इन्वेस्टर थे इन इंडिया ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 21-22। इसी के साथ साथ सिंगापुर से याद रखिएगा जो पहला हेड कह सकते हैं, साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट बने FATF के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पहले सिंगापुरियन वो कौन थे? टी राजा कुमार। ठीक है, इसने FATF की क्या होती है? ग्रे लिस्ट होती है। तो FATF की ग्रे लिस्ट में वो कंट्री किसको ऐड किया गया? UAE को ऐड किया गया, और यहीं पे पहला IIT आउटसाइड इंडिया भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10वां सेशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन मीटिंग का। अभी 10th सेशन कंडक्ट कराया गया था, न्यू दिल्ली में हुआ था ये, और ये कब हुआ? जब ओमान के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं उन्होंने विजिट किया, कासी बिन मोहम्मद अल यूसुफ, इन्होंने इंडिया को भी विजिट किया है, ये कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं ओमान के। एंड अभी हमें देखने को मिलेगा 10th सेशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन मीटिंग। ठीक है, इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन मीटिंग जिसका 10th एडिशन हमें देखने को मिलेगा, और कहाँ पे होगा ये? न्यू दिल्ली में होगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, और इंडिया की तरफ से कौन इसको चेयर करेगा? हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की। अभी 15th एडिशन ऑफ दिस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हमें देखने को मिला। इस कांग्रेस में ना एक सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन को एंडोर्स किया गया, मतलब इन्होंने बोला कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना है, अगर हम चाहते हैं हमारा फॉरेस्ट ग्रीन रहे, अर्थ पर ग्रीनरी बनी रहे, टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, एंड अपने फॉरेस्ट को भी बचाना है, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, हम इसमें ध्यान इन्वेस्ट लगा रहे हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करने में, टेम्परेचर्स को कम रखें, ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, क्लाइमेट को साफ रखना, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करना, तो हमें जो अपनी इन्वेस्टमेंट है ना 3 times बढ़ानी पड़ेगी बाय 2030। आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप शुड एटलीस्ट बी ट्रिपल्ड बाय 2030, ताकि जो हमारे गोल्स हैं, जो इंटरनेशनल गोल्स हमने सेटअप किए हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज ने जो गोल सेटअप किए हैं उसको हमें अचीव करना है। तो ठीक है, इसी के लिए फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना जिसने ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कराया, वो है पहली कोरियन फॉरेस्ट सर्विस और यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, कोरियन फॉरेस्ट सर्विस एंड यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस को। ठीक है, जिसका 15th एडिशन था, ये 15th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। इसी के साथ याद रखना 141 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, दे एंडोर्स द सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। फिर इसी के साथ साथ जो एम्फेसिस दिया गया वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस का 2021 का, वो क्या था? यूथ कॉल फॉर एक्शन एंड मिनिस्ट्रियल कॉल ऑन सस्टेनेबल वुड। इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का जो थीम था 15th एडिशन का, वो थीम क्या था? बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। आई रिपीट, बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट इसका थीम रहेगा, ताकि जो हमें टेम्परेचर कम हो सके। अब देखते हैं, जैसे एक एरिया से फॉर एग्जांपल इस एरिया पे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, और इस एरिया पे पेड़ नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सन है, तो जो रेज आ रही है ना
वो यहाँ पे टेम्परेचर कम रखेंगी एज कम्पेयर टू यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रीज जो है ना आपका शेड प्रोवाइड करेंगे जिससे जो टेम्परेचर होगा वो कम बढ़ेगा। चलिए ना आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीआई। आरबीआई ने अभी बैंक्स को बोला है कि अपनी ना एक कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी लाओ एटीएम पे, कि जरूरी नहीं है अगर आपका एटीएम है तो लोगों को आपके एटीएम कार्ड के थ्रू ही पेमेंट निकालनी पड़ेगी। आप एक कार्डलेस विड्रॉल फैसिलिटी लाओ कि अगर लोगों के पास कार्ड नहीं है स्टिल वो अपना विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को थ्रू एटीएम। रीजन बीइंग अब क्या हो रहा है कि फेक कार्ड बना लेते हैं लोग, ठीक है, तो जो फ्रॉड्स चल रहे हैं यूजिंग एटीएम्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इनको अवॉइड करने के लिए आरबीआई ने बोला कि इंडिविजुअल्स बैंक को जिनका एटीएम है कि अब एटीएम में आप एक कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी को लाइए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस बैंक ने अभी अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ टाइप किया टू ऑफर यूपीआई पेमेंट सर्विसेज। आई रिपीट, आरबीएल बैंक ने, याद रखना, अमेजॉन पे या फिर आप कह सकते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ टाइप किया ताकि यूपीआई पेमेंट सर्विसेज को फॉर पीयर टू पीयर दैट इज योर पी टू पी ऑर्डर्स एज वेल एज पीयर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन को अप्रूव मिल सके यूपीआई के थ्रू, ये ऐसी ये ट्रांजेक्शन की जा सके। ऑल राइट, तो कौन कौन सा बैंक? आरबीएल बैंक ने टाइप किया किसके साथ? AWS, Amazon Web Service। इधर Amazon आ जाए या Amazon Web Service आ जाए तो आपका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोलो पे की। सिंपल और डायरेक्ट, वोलो पे ने किसके साथ टाइप किया? वीजा के साथ टाइप किया। क्या करने के लिए? एक अपना खुद का कार्ड लॉन्च करने के लिए इन द एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन में अपने क्लाइंट्स के लिए एक अपना कार्ड लॉन्च किया वोलो पे ने, किसके साथ पार्टनर करके? वीजा के साथ पार्टनर करके, बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये टाइप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेन्यू क्या रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2022 का? तो ये होगा कहां पर? डेवोस में। डेवोस में कहां पर? स्विट्जरलैंड में होगा ये, ठीक है। डेवोस कहां है आपका? स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पर होगा आपका? डेवोस, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इंडियन स्टार्टअप या फिर आप कह सकते हैं एक हैदराबाद बेस्ड इंडियन स्टार्टअप की जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस ने अभी रिसेंटली क्लाम 100 इंजन को टेस्ट फायर किया जो कि एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन रहेगा ऑन विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल, ठीक है। विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल पे इसको टेस्ट फायर किया गया था किसके द्वारा? स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। एंड क्या टेस्ट फायर किया इन्होंने, कौन सा इंजन, क्या नाम रहेगा उसका? कलाम 100 उस इंजन का नाम रहेगा जो कि एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन है जिसको टेस्ट फायर किया गया। कहां पर? विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल पे टेस्ट फायर किया गया और किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया? स्टार्टअप जो कौन सा है, क्या नाम रहेगा कंपनी का? स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है स्काईरूट एरोस्पेस, इन्होंने एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन को टेस्ट किया जिसका नाम है कलाम 100 इंजन और ये यूज किया जाएगा इन द थर्ड स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल ऑफ विक्रम 1। तीन आपके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, पहला विक्रम 1, विक्रम 2 एंड विक्रम 3। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोइंग स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट इनटू ऑर्बिट। आई रिपीट, बोइंग स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट इनटू ऑर्बिट। ब्लास्ट ऑफ मींस इट हैज टेकन ऑफ इनटू ऑर्बिट। रिमेंबर बोइंग कंपनी एज वेल एज योर नासा दैट इज योर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव लॉन्च्ड अ स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल। दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट दे लॉन्च्ड? दे लॉन्च्ड अ स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल OFT-2 दैट इज योर ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2। दे लॉन्च्ड इट फ्रॉम द केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा USA। दिस लॉन्च वॉज कैरिड आउट यूजिंग यूनाइटेड लॉन्च अलाइन एटलस 5 रॉकेट। सो टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर हेयर, Boeing company and NASA, what did they launch? They launched Starliner space capsule OFT-2 and this was launched using United Launch Alliance Atlas V rocket. This launch is the second uncrewed flight test of the Boeing space crew space transportation 100 that is your CST-100 Starliner spacecraft for the commercial space program. SpaceX, if you remember, SpaceX has flown 4 astronaut rotations that is taking them and getting them back to the space with its last launch was on 27th of April 2022 and now another next launch is to be planned in September of 2022. So coming back, Boeing and NASA, they together launched what? They launched a Starliner space capsule OFT-2 from the Cape Canaveral Space Force Station in Florida, USA and they launched it using a
यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप दैट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज लॉन्च्ड बाय नासा. दिस वर्क्स इन द इंफ्रारेड रीजन. Next thing you need to remember about this is why this was in news recently, because recently James Webb Space Telescope has recently completed the first test to track moving object. I repeat, this James Webb Space Telescope has recently completed the first test to track a moving object, and that is the reason this James Webb Space Telescope abhi news mein tha. Theek hai, inhone kya kiya, agar koi moving object dikha, जैसे फॉर से एग्जाम्पल स्पेस में सन के दूर कहीं काफ़ी दूर एक कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे हमने ट्रैक रखा कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव करा. इस सारी डिटेल पॉसिबल हो सकी यूजिंग दिस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. इसीलिए इस अचीवमेंट को इस टेस्ट की वजह से ये अभी न्यूज़ में रहा था. किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था. और ये किस रीजन में वर्क करता है? इंफ्रारेड रीजन में आपका ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वर्क करता है. एक और चीज़ याद रखना, किस मूविंग ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक कर रहा था? वो था 6481 टैंगजिंग. ये टैंगजिंग 6481 एस्ट्रॉयड किसके नाम पे रखा गया है? ये टैंगजिंग नॉर्वे, जो कि एक काफ़ी फेमस तिब्बतन माउंटेन गाइड है, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट पीपल थे टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. ठीक है, और माउंट एवरेस्ट से कल हमने क्या पढ़ा था? नेट जियो ने अपना वर्ल्ड का हाईएस्ट क्लाइमेट मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप किया. कहां पर? माउंट एवरेस्ट पर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी इन विच डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज चेंज. किस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डीएनए को चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का? वो है जीनोम एडिटिंग. अभी प्लांट्स पे चल रहा है, इवन अभी हम देख रहे थे एनिमल्स पे भी ये चीज़ करने को मिलती है कि आपका डीएनए चेंज कर दिया जाएगा. प्लांट्स का डीएनए चेंज करके ही क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, और हम देखते हैं कि कई आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिसपे उसी प्लांट पे आपके टमाटर लग रहे हैं, वहीं पे आपका कुछ और फ्रूट लग रहा है, दो फ्रूट्स भी आ जाते हैं कि प्लांट पे. ये क्रॉस ब्रीडिंग होती है, उसका जीन चेंज कर देते हैं, तो ये सब चीज़ पॉसिबल है. ऑलराइट, और उसको कहते हैं जीनोम एडिटिंग. नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 मई को हम वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है. फिर आपको इसकी थीम याद रखनी है, बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम. आई रिपीट, बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम. ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड बी डे की, जो कि हम 20 मई को ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट, इसी को याद रखना, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का जो डिपार्टमेंट है, रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर यूरोप 2016 द रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया प्रपोज टू सेलिब्रेट 20 मई एवरी ईयर एज द वर्ल्ड बी डे. तो इनके द्वारा बोला गया था कि 20 मई को हम वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व करेंगे. मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट, आपको एक चीज़ याद रखनी है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ना दो रोबोट्स को इंक्लूड करा गया अपने फायर फाइटिंग फ्लीट में. इन रोबोट को अभी टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये क्या वर्क रहता है इनका. ये इजीली किसी नैरो स्ट्रीट में, वेयरहाउस में, बेसमेंट में, स्टेयर्स में, फॉरेस्ट में, या किसी भी ऑयल एंड केमिकल फैक्ट्री में भी आपका गैस आग को बुझाने का काम कर सकते हैं. तो ये कौन से स्टेट के द्वारा इंक्लूड किए गए दो नए रोबोट्स इन देयर फायर फाइटिंग टीम? वो है दिल्ली के द्वारा. फिर दिल्ली की बात करें तो माई इलेक्ट्रिक व्हीकल ई ऑटोज के लिए, इलेक्ट्रिक ऑटोज को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था. हॉबी हब्स भी दिल्ली गवर्नमेंट का है. फिर बात करें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए म्यूजियम सेटअप किया गया, वो भी दिल्ली में किया गया. नेक्स्ट देखेंगे तो पहला फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी प्रोडक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ सेटअप किया गया? वो भी दिल्ली में सेटअप किया गया था. फिर आ जाता है आपका देश के मेंटर्स, ये प्रोग्राम कहाँ सेट किसका है? ये भी आपका दिल्ली गवर्नमेंट्स का ही है, देश के मेंटर्स. तो ये सारी चीज़ें आपको दिल्ली से रिलेटेड याद रखनी है. नेक्स्ट आते हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने BPCL क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके उनके पर्टिकुलर स्टेट में. अभी आप देख रहे हैं हर कंट्री, इवन अब इंडिया की हर मोस्टली स्टेट्स रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रही हैं देन द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रीजन क्या है? ये एक तो कार्बन रिलीज नहीं करती एटमॉस्फेयर में, एंड ये पॉल्यूशन फ्री है. फॉर एग्जांपल देखें तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टार्ट किए गए थे, पहला
बायो सीएनजी प्लांट स्टार्ट किया गया था, एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट वो था गोबर्धन के नाम से इंदौर एमपी में। इंदौर एमपी में ही अगर आपको याद हो हाइड्रोजन प्लस नेचुरल गैस ब्लेंडिंग प्लांट सेटअप किया गया था गेल के द्वारा। फिर अगर हम बात करें इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्योर, और या कह सकते हैं इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहाँ पे है, जोरहट असम में सेटअप किया गया था, किसके द्वारा, ऑयल के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। फिर अभी अगर आपने महाराष्ट्र की न्यूज़ सुनी कुछ दिन पहले, हमने डिस्कस भी की थी कि पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया गया इन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि बायोगैस पे वर्क करेगा, जो कि पावर किया जाएगा किससे, बायोगैस के थ्रू इसको चार्ज किया जाएगा। और यही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आपका स्ट्रीट लाइट को रात को पावर करने में भी यादगार रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारा सारा आज का कंटेंट जो आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ लिया। अब जल्दी से जल्दी वन लाइनर फॉर्मेट में जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वैसे हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर देते हैं, जल्दी से जल्दी करेंगे एकदम। ठीक है, सबसे पहले NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी 660 करोड़ रुपए के लिए अप्रूवल दिया इन रुपीज का, किस लिए, 11 प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए नियर गंगा। IIT कानपुर इन्होंने एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया CSIS USA के साथ टू क्रिएट अ जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क, टू क्रिएट अ ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क सेटअप करने के लिए। फिर हम बात करेंगे ग्रीनको, इन्होंने सेटअप किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, कहाँ पर, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में सेटअप किया गया। ठीक है, कहाँ पर, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, और 5230 मेगावाट ऑफ एनर्जी को ये स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिसेफ के द्वारा अभी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया इंडिया इज होम टू वर्ल्ड्स मोस्ट सीवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन, मतलब माल न्यूट्रिशन इंडिया में देखा जाए बहुत ज्यादा है, अराउंड 57 लाख बच्चे जो कि 5 साल से छोटे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन, सीवियर केसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं एज वेल एज इंडिया की गवर्नर हैं टू न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा अभी 7th एनुअल मीटिंग को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ NDB की मीटिंग्स को चेयर किया गया, न्यू दिल्ली से मीटिंग हुई थी, वर्चुअली हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी ओमान के कॉमर्स मिनिस्टर कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ इंडिया ने विजिट किया इन्होंने, और इनकी ड्यूरिंग दिस विजिट टू इंडिया हम 10th एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन मीटिंग को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस अभी हमें देखने को मिली, इन्होंने अडॉप्ट किया सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन को, इन्होंने एम्फेसिस दिया कि हमें जो अपना इन्वेस्टमेंट है टू रिस्टोर द डिग्रेडेड लैंड उसको ट्रिपल करना पड़ेगा, मतलब 3 times करना पड़ेगा बाय द ईयर 2030 अगर हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। फिर RBI ने अभी बैंक्स को बोला कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड या एक सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी ATMs में, आपकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स में, वो क्या है, टू प्रोवाइड कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी। अगर उनके पास कार्ड नहीं है लोगों के पास, आपके कस्टमर के पास, तो फिर भी वो आपकी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कीजिए या UPI या कैसे भी आपके ATM से पैसे निकाले जा सके। फिर याद रखना RBL बैंक ने टाई अप किया Amazon Pay के साथ या Amazon वेब सर्विस के साथ टू ऑफर UPI पेमेंट सर्विसेज। HDFC बैंक carves आउट रूरल बैंकिंग एज सेपरेट वर्टिकल, launches स्पॉट होम लोन ऑफर ऑन WhatsApp। स्पॉट होम लोन ऑफर्स भी उन्होंने WhatsApp पर प्रोवाइड किया, किस बैंक ने, HDFC बैंक ने। नेक्स्ट पे आ जाइए वोलोपे ने किसके साथ पार्टनर किया अभी, वीजा के साथ, ताकि अपना खुद का कार्ड प्रोवाइड किया जा सके इन द एशिया पैसिफिक रीजन। फिर इंडियन स्टार्टअप जो कि हैदराबाद बेस्ड इंडियन स्टार्टअप है स्काईरूट एरोस्पेस, इन्होंने टेस्ट किया कलाम 100 इंजन को ऑन विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल, और कितनी लॉन्च व्हीकल है ये, 3, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। नासा एंड बॉइंग ने मिलकर एक स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया दैट विल कैरी एस्ट्रोनॉट्स इन टू द ISS दैट इज योर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, इन्होंने अपना एक पहला टेस्ट पूरा करा, वो टेस्ट क्या था कि किसी भी ट्रैकिंग मूविंग ऑब्जेक्ट को टेस्ट करने के लिए क्या कि या उस क्या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ट्रैक कर पाता है या नहीं। नासा के द्वारा इसको रिलीज किया गया था और ये इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है। फिर वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व बात करें तो 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने 2 नए रोबोट इन देयर फायर फाइटिंग फ्लीट ऐड किए गए, और बाकी हमने दिल्ली से रिलेटेड जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जो भी न्यूज़ थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आइए, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया गया था BPCL के साथ ताकि उनकी स्टेट में हम रिन्यूएबल एनर्जी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें एंड रिन्यूएबल एनर्जी को अपने ला सकें ताकि एक ग्रीन एनवायरमेंट बना रहे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आपके होमवर्क पार्ट पर। पहला क्वेश्चन,
किस स्टेट ने अभी नंजरायन टैंक इसको अपना 17th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया। दूसरा क्वेश्चन, किनको अभी अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, BSE के चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया। तीसरा क्वेश्चन, किनको अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का। चौथा क्वेश्चन, उस बुक के ऑथर का नाम बताइए, बुक का नाम क्या है, अ प्लेस कॉल्ड होम। ये बुक जून 2022 में रिलीज की जाएगी, इसके ऑथर का नाम आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका होमवर्क, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं नीचे ज़रूर चेक करूंगा कि कौन कौन कमेंट करता है। ठीक है, इधर उधर की बात करने से बेटर है जो क्वेश्चन आपको जो होमवर्क दिया जाए आप वो होमवर्क करें, आपकी प्रिपरेशन में वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको कंटेंट मिलने से मतलब है, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।